सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही चुनाव हुआ, मेयर का भी और डिप्टी मेयर का भी। और अब मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ मेयर की शपथ लेने के बाद कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का, साथ ही माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी और मुझ पर भरोसा जताया। और मैं पूरी उनको आश्वासन देती हूँ कि मैं आने वाले समय में अपनी इस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाऊंगी। और जो दिल्ली की जनता को सपना माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिखाया, उस सपने को मिलजुल कर हम सब पूरा करेंगे। जी देखिए, हमारी जो 10 गारंटी हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने दी थी, हम उन 10 गारंटियों पे काम करेंगे और अगले 2-3-4 दिनों में ही हम जो कूड़े के पहाड़ हैं उन पर भी इंस्पेक्शन करने के लिए जाएंगे। तो जल्द से जल्द हमारी जो कार्रवाई है वो, हालांकि जितने भी हमारे पार्षद हैं उन्होंने अपने वार्ड में जो अभी से शपथ लेने से पहले से ही अपना कार्य शुरू कर दिया था, बट अब ऑफिशियल तरीके से हमारी जो जो भी हमारे कामकाज है नगर निगम के, हम उनको शुरुआत करेंगे और पूरा करेंगे। चुनाव में जीत होगी, लेकिन संख्या बल को लेकर जो दावा था कि 51 वोट हमारे साथ है, 150 जितनी आपकी संख्या थी उतनी आपको वोट मिले उतने, लेकिन बीजेपी को उनकी संख्या से ज्यादा वोट मिले, तो आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग हुई है? जी देखिए, स्टैंप ऊपर नीचे हो गई थी और उसमें कुछ मिस्टेक कर दी थी वोटिंग, हाँ वोटिंग में। देखिए, तब तो मैं नहीं थी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो सत्या शर्मा जी थी, तो हकीकत क्या है वही जानती हैं। तो डिप्टी मेयर के चुनाव में मैंने देखा कि इनवैलिड वोटिंग हुई थी, स्टैंप ऊपर नीचे लग गई थी।